लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन दी गई है इसके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री, और यहाँ पर एक्स क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इस इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा वन, तो एलसीएम इसका क्या जाएगा, एक्स। तो वन को जब एक्स को वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स आएगा। तो एक्स के यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन, वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, और इक्वल टू में क्या है अपन थ्री। तो अब क्या करेंगे इसकी, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी वन के साथ, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और इस थ्री एक्स को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स, और यहाँ पर क्या है, माइनस का वन, और इस साइड क्या बचा यहाँ पर, इक्वल टू ज़ीरो। तो ये देखो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये इक्वेशन बन गई। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखो, वन, एक्स के कोफिशिएंट क्या है वन, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस थ्री, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस वन। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसके क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे ए बी और सी की। तो देखो माइनस बी, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, ये माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस थ्री, इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर, फिर क्या है, माइनस फोर इंटू ए, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन इंटू सी, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और अपॉन में क्या है, इसके पूरे के अपॉन में टू ए, ए की वैल्यू क्या है, वन। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस माइनस, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, और ये माइनस और ये माइनस क्या जाएगा, प्लस, और फोर बन जा फोर अपॉन टू। तो अब इसको यहाँ पे लिख दिया थ्री प्लस माइनस, और रूट के अंदर क्या जाएगा यहाँ पर, नाइन प्लस फोर ये हो जाएगा थर्टीन, और अपॉन में क्या है टू। तो अब इसके दो रूट्स आ गए हमारे, ये एक प्लस में और एक माइनस में है, तो इसको लिखेंगे थ्री, एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। तो इसके दो रूट्स निकल आए हमारे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन, तो एक्स प्लस फोर से एक्स प्लस फोर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस सेवन, उसकी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस सेवन, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा इसी, अब ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस फोर, और इक्वल टू में क्या है, इलेवन बाय थर्टी। तो अब यहाँ पर माइनस है तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स, और ये प्लस का है तो एक इसका हो जाएगा माइनस का फोर, और अपॉन में क्या है, एक्स प्लस फोर
एक्स माइनस सेवन इक्वल टू में क्या है, 11/30। तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, माइनस सेवन और माइनस फोर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 11 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई करो एक्स और एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस सेवन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा। अब 4 की x के साथ करोगे तो प्लस का 4x हो जाएगा, और 4 की माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा माइनस का 28, और इक्वल टू में क्या है, 11/30। तो इस 11 से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, डिवाइड में है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 1 अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 4x और माइनस के 28 इक्वल टू में क्या जाएगा, 1/30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पर देख क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस के 7x और प्लस के 4x, तो माइनस के क्या बचेंगे, 3x और माइनस के 28 इक्वल टू में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 30। तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 30 इक्वल टू में क्या जाएगा, 0। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और यहाँ पर प्लस के क्या बचेंगे, 2 इक्वल टू में क्या जाएगा, 0। तो अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पर क्या है, 1, और b की वैल्यू का यहाँ पर माइनस 3, और c की वैल्यू का यहाँ पर 2। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3, और प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 प्लस माइनस, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 टू का 8 अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पर 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस और 1 का रूट क्या होता है, 1 अपॉन 2। तो इसके क्या हो जाएगा, 3, तो दो वैल्यू आ गई, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो 3 प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2। और अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन में क्या है, 2, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2, तो ये कट के क्या जाएगा हमारा 1। तो इसके दो रूट हो गए हमारे 2 और 1।